प्रदेश सरकार आर्थिकी का रोना रोने के बजाय फिजूल खर्ची रोके। वहीं पूर्व सरकार के कार्यकाल में जनहित में जो निर्णय लिए थे उन्हें लागू किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। वहीं यदि प्रदेश सरकार ने जन विरोधी निर्णय लेना बंद नहीं किया तो भाजपा आम जनता के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा करेगी, जिससे प्रदेश सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में नैना देवी विधायक एवं प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वराघाट में बच्चों की सुविधा के लिए खोले गए कॉलेज को भी बंद कर दिया गया, जबकि इस कॉलेज में 20 विद्यार्थियों की संख्या थी। इस कॉलेज का फायदा न केवल बिलासपुर जिला बल्कि सोलन जिला के बच्चों को भी मिल रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विधायक निधि पर भी रोक लगा दी, जबकि विधायक निधि की 3 किश्तें मिल चुकी हैं। ये विधायक निधि आम जनता पर खर्च होती है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जो जनविरोधी निर्णय लेने शुरू किए थे वो अभी तक जारी हैं। संस्थानों की डी नोटिफिकेशन की संख्या जो है वो 900 तक पहुंच गई है। ऐसे ऐसे कॉलेज डी नोटिफाई कर दिए जहां बच्चों के लिए बहुत ही अति आवश्यक कॉलेज थे। हमारा स्वारघाट का डिग्री कॉलेज जहां एक ही कक्षा में 20 बच्चों ने 3 दिन में एडमिशन ले ली थी उसको भी डी नोटिफाई कर दिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। यही नहीं, इसके अलावा विधायक निधि का बंद होना, लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में टेंडरों को रद्द करना, नए टेंडर लगाने पर लोग लगाना, ये इस सरकार के विकास विरोधी रवैये को प्रदर्शित करता है। और इसके साथ साथ ये सरकार जिस तरह से जनता को गुमराह कर रही है, कर्जे की स्थिति को लेकर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार ही दोषी है, ये सरासर गुमराह करने वाला वक्तव्य है। वीरभद्र सरकार के समय 2012 से 17 के बीच 20,000 करोड़ रुपये कर्ज लिया गया, जबकि हमारी सरकार 2017 से 22 के बीच भी लगभग 20,000 करोड़ ही कर्जा लिया गया है। इसी तरह से उससे पहले की सरकारों के समय भी कर्जा लिया जाता रहा है और अधिकतर कर्जा कांग्रेस सरकारों के समय लिया। एक रोना रोकर इस तरह इंस्टीट्यूट बंद करना, विकास रोकना, ये कहीं भी इसका औचित्य नहीं है। ये हमारा आरोप है कि ये सरकार इस तरह गुमराह करके जो चुनाव में जो गारंटियां देकर इन्होंने चुनाव जीता है उन गारंटियों को पूरा करने के लिए इस पैसे को वो खर्च करेगी, जिसे हम जनता के साथ धोखा मानते हैं और इस सरकार को धोखेबाज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी मानती है।